शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। आज हम जानेंगे कि हमारे राष्ट्र के लिए शिक्षक कितना महत्वपूर्ण होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनेंगे, समझेंगे और उसे अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि शिक्षकों का सम्मान राष्ट्र में, अपने राज्य में या अपने ज़िले में, स्कूलों में धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। शिक्षक का सम्मान जो पहले से था वही है, लेकिन उन शिक्षकों के लिए जो शिक्षक पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण से और पूरी ईमानदारी से अपने काम को करते हैं, अगर ये समर्पण, ये जिम्मेदारी और ये ईमानदारी शिक्षक अपने कार्य में नहीं दिखाएंगे, एक पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है अगर शिक्षक ने इन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं अपनाया। समर्पण है, ईमानदारी है और जिम्मेदारी है। शिक्षक बने तो शिक्षक कार्य को, अपने जीवन को समर्पित कर दे। शिक्षक कार्य ही करना सबसे महत्वपूर्ण होता है, शिक्षण से बेहतर कुछ भी नहीं है और उससे ऊंचा कोई पोस्ट नहीं है इंडिया में। आप जितने भी लोग होंगे, जितने भी टीचर्स बनेंगे, वो सब कंपनी होते हैं और मार्केट में जितने भी पोस्ट आपको दिखाई देते हैं वो सब आपके प्रोडक्ट हैं। जितने भी पोस्ट होंगे, सरकारी कर्मचारी जो काम करने वाले हैं उसको किसी शिक्षक ने उस पद तक पहुंचाया, एक IAS IPS को पढ़ा लिखा के उस लायक बनाया, ट्रेनिंग दिया ताकि वो एक ज़िले में ज़िले को बेहतरीन तरीके से रन करा सके, चला सके, वो भी एक शिक्षक की देन होती है। तो शिक्षक को अपने आप में एक कंपनी की तरह फील करना चाहिए और जितने भी मार्केट में लोग दिखते हैं वो सब किसके प्रोडक्ट हैं? टीचर्स के। तो टीचर एक कंपनी और मार्केट की हर शय, हर वस्तु आपकी प्रोडक्ट है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी किसी शिक्षक के प्रोडक्ट ही होते हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस राष्ट्र के लिए या अन्य किसी भी राष्ट्र के लिए शिक्षक से बड़ा कोई पद होता ही नहीं है। सारी चीज़ उसके नीचे शामिल होती है, लेकिन उनकी गरिमा को, उनके आत्मसम्मान को, उनकी इज्जत को इतनी ठेस पहुँची है कुछ दशक में कि धीरे धीरे लोगों ने अपने कार्य, अपने समर्पण, अपनी ईमानदारी को धीरे धीरे शिक्षण के प्रति कम कर दिया है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार की रवैया, लोगों के बात विचार, लोगों की भावनाएं और उनके प्रति सोच ने शिक्षकों को बदलने पर थोड़ा बहुत मजबूर कर दिया है। जिस तरह ये पता होता है कि शिक्षक से महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं होता, अगर सरकार भी उनके लिए उतनी ही सोचती कि शिक्षक के बगैर हम कभी अपने राज्य को तरक्की की राह पर नहीं ले जा सकते, अगर ये सोच होती तो राज्य आपके लिए सोचती, आपकी बेहतरी के लिए सोचती और धीरे धीरे पूरे राज्य में एक बदलाव आता, वो शिक्षा के माध्यम से हो पाता। 1945 की घटना है, उसी घटना को सुनाने के लिए मैंने एक दो बार क्लास में बताया भी था। 1945 में जर्मनी जब पूरी तरह तहस नहस हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो जो वहाँ नए चांसलर नियुक्त हुए उन्होंने अपने सभी मंत्रियों से, सभी लोगों से, अधिकारियों से बैठाकर ऐसे एक मीटिंग की, जैसे हम और आप अभी कक्षा में बैठे हुए हैं, एक मीटिंग किया उन्होंने और कहा कि जर्मनी की हालत इतनी ख़राब है कि इसे तुरंत सुधार पाना मेरे लिए नामुमकिन सा है, लेकिन मैं एक चांसलर हूँ, मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ कि स्थितियाँ क्या हैं, मुझे समझाएं। तो सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में बताया, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, हमारे इंफ्रा पूरी तरह खत्म हो चुके हैं, जो भी कंपनी बड़ी बड़ी थी वहाँ बंद हो चुकी है, लोग अफरा तफरी के माहौल में जी रहे हैं, चारों तरफ भागम भाग लगी हुई है, किसी के पास स्थिरता नहीं है, इस स्थिति में एक राष्ट्र को लेकर चलना कितना मुश्किल होगा। तो उन्होंने पूछा कि हमारे पास किन किन संसाधनों की कमी है बताएं। उन्होंने पूछा, एक व्यक्ति से पूछा, आप बताएं कि सबसे ज़्यादा कमी आपको किस क्षेत्र में लगी है। उन्होंने कहा, इकोनॉमी में मुझे सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है कि हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था बिल्कुल सबसे निचले स्तर पे है, माइनस में चल रही है। दूसरे से पूछा तो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल एरिया को लेकर बताया, तीसरे ने सोसाइटी को लेकर बताया, चौथे ने पर्सन को लेकर बताया, सब लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। धन्य हो उस चांसलर का, अंत में उन्होंने जो सवाल पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने पूछा कि इन सबको हटाओ, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे देश में शिक्षकों के क्या हालात है। उन्होंने कहा, शिक्षक तो सब ठीक है सर, ऑल टीचर्स आर गुड, टीचर सही हैं, अपने काम पे वापस लग सकते हैं। तो कहा कि अगर टीचर्स हैं तो अपने राष्ट्र को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी मेरी अकेले की है, बाकी कोई हो चाहे नहीं हो, कोई अधिकारी हो नहीं हो, कोई बड़ी कंपनी हो या नहीं हो,
अगर टीचर्स हमारे सेफ हैं, जिंदा है, सब कुछ ठीक है, तो मैं इस राष्ट्र को वापस उसी बेस पर खड़ा कर सकता हूं और दुनिया को दिखा सकता हूं कि हम पीछे नहीं हैं। किस दम पे उन्होंने ये बात कही? टीचर्स, एक शिक्षित वर्ग में शिक्षक का क्या महत्व होता है, एक शिक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। अशिक्षित व्यक्ति के समझ के बाहर की चीज़ है कि शिक्षक के महत्व क्या होता है एक समाज के लिए। और अशिक्षित से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो लोग अपने आप को ग्रेजुएट, पीजी, इंजीनियर, एमबीए, ऐसे कई पोस्ट, कई डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन अपनी सोच के सबसे निचले स्तर से बात करते हैं, वैसे लोग भी अशिक्षित हैं समाज में। डिग्रियां ले लेना शिक्षा को नहीं दिखाती है। डिग्री तो समझ लीजिए कि मंदिर में दान करते हैं तो कागज़ मिलता है, क्या कहते हैं उस कागज़ को, रसीद। डिग्री उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में आपने कुछ दान दिया, कुछ समय दिया, उसके बदले में एक रसीद मिला है। डिग्री इससे बड़ी कुछ नहीं होती है, लेकिन वास्तविक डिग्री और शिक्षा वो है जो आपके अंदर बदलाव लाती है। आप ग्रेजुएट हैं, आप पीजी हैं, और बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको शिक्षित नहीं कहा जा सकता। आप पीएचडी होल्डर हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े पद पे हैं, आईएएस आईपीएस हैं, और सामने वाले व्यक्ति से बोलने की तमीज़ नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं। तो शिक्षा वो है जो आपके अंदर, आपके व्यवहार में बदलाव लाती है। अगर ये बदलाव नहीं है, आप शिक्षित नहीं हैं। चाहे ये रसीद कितना भी जमा कर ले, कोई भी व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति आपको शिक्षित नहीं कह सकता। तो एक शिक्षक ही है जिसके दम पे राष्ट्र को दोबारा निर्मित किया जा सकता है। और आज के डेट में जर्मनी को आप सुन रहे होंगे, टेक्नोलॉजी के मामले में टॉप पे है। दुनिया की सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन बनाता है? जर्मनी। बीएमडब्ल्यू खरीदिए, ऑडी खरीदिए, कहाँ की कंपनियाँ हैं सब, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट मेडिकल कहाँ होता है? जर्मनी में। जर्मनी से बेहतरीन मेडिकल कोई नहीं देता। तो 1945 के बाद समझिए कि भारत 47 में आज़ाद हुआ, जर्मनी 45 में, वो अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके चल पड़ा। और भारत की स्थिति आज भी माइनस में है। शिक्षकों के महत्व को अगर नहीं समझेंगे, कोई भी देश नहीं समझेगा कि शिक्षक हमारे लिए क्या कर सकता है और शिक्षक को कैसा होना चाहिए, तब तक देश की तरक्की का कोई रास्ता खुलने से रहा। तो शिक्षकों को उसका महत्व समझने और समझाने के लिए कई बार हमारी सरकारों को भी उतने शिक्षित और उतना सभ्य बनना पड़ता है। अगर वो शिक्षित और सभ्य नहीं होंगे तो शिक्षकों का सम्मान इस देश में वैसा कभी नहीं मिलेगा जिसके वो योग्यता रखते हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिल पाएगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि दुनिया क्या कहती है छोड़ दे, आप अपने महत्व को समझें। इस राष्ट्र में एक शिक्षक से महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरे देश की जिम्मेदारी बनाने और बिगाड़ने दोनों की किस पे है? शिक्षक पे है। तो ऐसी गलती कभी ना करें आप कि दुनिया जैसी कर रही है वैसा आप भी करें। शिक्षक अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है तो हम भी हो जाएं उनके साथ, अगर वो जिम्मेदार नहीं है तो हम भी वैसा हो जाएं, या फिर वो अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं है तो हम भी वैसा हो जाएं, फिर आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? शिक्षक वो है जो अपने कार्य को पूरी समर्पित होकर करे, पूरी जिम्मेदारी से करे और पूरी ईमानदारी से। जहाँ से ईमानदारी खत्म हो जाती है वहाँ से बरकत और आगे बढ़ने की जो दरकार है वो सब चीज़ें भी कम होने लगती हैं, आगे बढ़ने के जो चांसेस हैं वो कम होने लगती है, क्योंकि वहाँ ईमानदारी दिखती नहीं है, लोग अपने कार्य के प्रति ईमानदार नहीं हैं। तो दुनिया क्या कर रही है आप उसे भूल जाए, आप क्या करेंगे ये मुझे आगे देखना है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।